नया साल आने वाला है और पुराना साल जाने वाला है। और पहले की तरह जैसे हम नए साल के आने पर एक नया रेजोल्यूशन बनाया करते थे, इस बार भी बनाएंगे। रेजोल्यूशन केवल उनके लिए काम करता है जो रेजोल्यूशन बनाते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं और सफल हो जाते हैं। रेजोल्यूशन उनके लिए कतई काम नहीं करता है जो बना के उसको फेल कर देते हैं। क्योंकि जब आप रेजोल्यूशन बनाते हो तो आपके माइंड में, आपका माइंड ये समझ जाता है कि यही बनाएगा और इसको तोड़ देगा, तो वो रेजोल्यूशन आपका कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए एक नई टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसको आप अपनाएंगे तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि नया साल आपका जो आएगा 2024, इसमें सफलताएं आपको पहले की अपेक्षा जल्दी और अधिक मिलेंगी। क्योंकि ये एहसास करने का टेक्निक है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। करना क्या है? करना ये है, वर्ष जब समाप्त हो रहा हो, जब ये समाप्ति की ओर हो, अभी है 3 या 4 दिन बचे हैं, 3-4 दिन आप कुछ मत करिए, शून्य पे आ जाइए बिल्कुल, और लेखा जोखा करिए। लेखा जोखा किस बात का? अपने अच्छाइयों का और अपनी बुराइयों का, शांत मन से। और हो सके कहीं किसी पार्क में चले जाएं, किसी शांत जगह पे चले जाएं, वहां पे सिर्फ आप हो और कोई दूसरा ना हो, और ये मनन करिए। और हाँ, एक नोटबुक साथ में हो, लिखेंगे तो उस पे एक्शन होगा, नहीं लिखेंगे दिमाग में आया और चला गया। रिकॉर्ड करिए, लिखिए उसको, और फिर आप देखेंगे एक चमत्कारिक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ। आप नोटबुक के साथ में किसी शांत प्रिय जगह पर बैठ जाएं, पार्क में या किसी शांत प्रिय कमरे में जहाँ पर पीस हो। थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करिए, इनहेल डीप और एक्सहेल, उससे क्या होगा, मन आपका शांत होगा। और कुछ बातें ऐसी होंगी जो सिर्फ आपको पता होगी, आपकी कमियां, आपके वो बैड हैबिट्स, आपके वो बैड एलिमेंट्स जो भी हैं वो आपको पता होंगे, किसी और को पता नहीं होंगे। अब आप इसमें ये देखिए कि हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, फिर सोचिएगा आपके साथ में क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो कौन कौन सी हैबिट्स चल रही हैं, वो कौन कौन से थॉट प्रोसेस चल रहे हैं जो आपको बैक कर रहे हैं, आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं। ये सिर्फ आपको पता होगा, नोट डाउन, इसको लिखिए। जब लिखेंगे तो जो आपकी कमियां होंगी वो कॉन्शियसली आप उसको देखेंगे, जब देखेंगे तो आप अंदर से हिलेंगे, अरे ये कारण है, अच्छा इसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। हर एक कमियां, हर एक बुराइयां जो आपके अंदर में आपको फील होती हैं, लगता है हाँ ये मेरी बुराई है, ये मेरी हैबिट शायद मुझको सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरी हैबिट एक गलत हैबिट है जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं अपना एक्शन प्लान नहीं बना पा रहा हूँ, ड्रीम्स देखता तो हूँ लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी रस्सियाँ हैं आपके बैड हैबिट्स की, या फिर कुछ भी हो सकता है, संगत की, नेगेटिव एनवायरनमेंट की। नोट डाउन एवरीथिंग, क्योंकि ये असेसमेंट का टाइम है। दूसरी तरफ उन अच्छाइयों को भी याद करिए जिसके साथ आप खुश होते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिसने कभी आपकी हेल्प की हो, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करिए। ईश्वर का, माँ बाप का, परिवार का, जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ से रोजी रोटी आपकी चल रही है उसका, उस वर्क प्लेस का, जहाँ पे आप काम करने जाते हैं उसकी एवज में आपकी दिहाड़ी, आपकी जो भी है, दिहाड़ी कही जाएगी, वो मिलती है, वो सम्मान आपको मिलता है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड।
आभार व्यक्त करिए दिल से। दोनों चीज़ें, आभार व्यक्त भी करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है, और साथ ही साथ उन कमियों को भी देखना है, नोट डाउन करना है, क्यों सफल नहीं हो पा रहा हूँ, क्या क्या है वो। जैसे आप कंप्यूटर में एंटीवायरस चलाते हो तो स्कैनिंग के बाद में कुछ वायरस निकल के आते हैं ना, फिर उनको डिलीट करते हो, क्वारंटाइन करते हो, फिर आपका सिस्टम एक अच्छे फ्लो में चलता है। उसी प्रकार से आपकी लाइफ का भी एक सिस्टम है जो बार बार हैंग हो रहा है। डिलीट दोज वायरसेस। अच्छा, दूसरी बात, कंप्यूटर पे जब एंटीवायरस रन कराते हो तो क्या कोई और टास्क करते हो? नहीं करते। ड्यूरिंग रनिंग योर एंटीवायरस यू डू नॉट मेक एनी टास्क ऑन योर कंप्यूटर। उसी प्रकार से जब आपको ये एंटीवायरस आपको चलाना है तो आपको मनन करना है, ये मनन करना ही एंटीवायरस रन करने के बराबर है। आप अपनी लाइफ का एंटीवायरस कैसे चलाओगे? इसी प्रकार से चलाओगे, एक काम और पीसफुल जगह बैठ करके सब डीपली फील करिए, असेसमेंट करिए, वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी संगत है, वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन सा बिहेवियर है मेरा, वो कैसे थॉट प्रोसेस हमारे हैं, वो हैबिट्स कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से मैं वही सपने बार बार देख रहा हूँ विगत 10 वर्षों से, 11 वर्षों से, 5 वर्षों से, सिर्फ देख ही रहा हूँ, हासिल नहीं हो रहा है। कैसे हासिल होगा? रनवे पे अगर जहाज के साथ में कुंटलों कुंटल अगर बोरियां पत्थरों की बांध दी जाएं, जहाज दौड़ ही नहीं पाएगा, उड़ने के बाद छोड़ दीजिए आप। तो ये असेसमेंट अगर आपने कर लिया वर्ष के आखिरी चंद दिनों में, फिर जब नया वर्ष आएगा, फिर आप जो कुछ ठानेंगे, जो कुछ नया रेजोल्यूशन बनाएंगे, उसको फुलफिल होने में बहुत ही आसानी मिलेगी, बहुत ही आसानी से वो रेजोल्यूशन आपका अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा आपको। और आप गर्व से कह पाओगे, इस बार का जो रेजोल्यूशन मैंने लिया वो मैंने पूरा किया, अपने आप पीठ थपथपाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, ये एक्शन प्लान जो मैंने अभी आपको बताया है, डू योर सेल्फ असेसमेंट, कहीं आप शांत प्रिय जगह पर बैठिए और उन चीज़ों को देखिए कि मैं क्या कर रहा था, क्या मुझे करना चाहिए था और क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सिर्फ आपको पता है, दूसरे को मत बताइए, दूसरे नहीं जानते आप क्या कर रहे हो। इंटरनली आपका एटमॉस्फेयर क्या है, यू नो वेरी वेल, दूसरा कोई नहीं जानता। तो आप अपने आप से झूठ ना बोलिए, आप अपना असेसमेंट करिए। मान लीजिए अगर आपको सुबह जल्दी उठना होता है, ये एक अच्छी हैबिट है, आप नहीं उठ पा रहे हो, ये असेसमेंट में आपके आएगा कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, और अगर मैं जल्दी उठता तो मुझको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं अपने टास्क को पूरा करने के लिए। मैं नहीं उठ पा रहा था, अब मैं इस पर मनन करूँगा, इस पर चिंतन करूँगा और मैं जल्दी उठने का प्रयास करूँगा, मैं जल्दी उठूँगा और मेरा माइंड फ्रेश होगा, अच्छे अच्छे थॉट आएंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे मॉर्निंग के टाइम पे, और ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एक लेसन ऐड करेगा। इस तरीके से तमाम चीज़ें होंगी जो आपको पता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, पता है लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं, उसी को हटाना है। ये हैबिट अगर लंबे समय से चली आ रही है तो इसको छोड़ना नामुमकिन नहीं है, कठिन तो है नामुमकिन नहीं है। अगर आप ठान लेंगे तो धीरे 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 उस बैड हैबिट की जगह एक नई हैबिट, अच्छी हैबिट जब इंस्टॉल करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उस हैबिट का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए सफलताओं का अंबार लगा दे,
आप खुद एक इंस्पिरेशनल आइकॉन बन जाओ, लोग आपसे सीखें। क्योंकि फेलियर पर्सन जब कभी सफल होता है उसका डंका बजता है, क्योंकि फेलियर की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। और जब आप फेलियर होने के बाद जब सफल होते हो, फिर जब अपनी कहानी बताते हो, तो लोग अपने आप को आपसे जोड़ना शुरू कर देते हैं और फिर आप उनके इंस्पिरेशनल आइकॉन बन जाते हो। फिर आप बूस्ट अप रहते हो, फिर निगेटिविटी, बैड हैबिट्स दूर दूर कहीं आपके पास नजर नहीं आएगी। तो असेसमेंट करिए आखिरी कुछ दिनों में कि नया साल जो आने वाला है इसमें मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोनों का असेसमेंट करिए और राइट डाउन लिखिए उसको। जब लिखेंगे तो एहसास होगा आपको। सॉफ्टवेयर पे चीजें पड़ी हुई हैं, वो पड़ी हुई हैं। जब तक उसकी हार्ड कॉपी आप नहीं निकालेंगे तो कॉन्शियस माइंड को यह एहसास नहीं होगा कि ये मैं गलतियां कर रहा था, मुझे जाना कहां पे है। ये कॉन्शियस माइंड को आपको एहसास कराना है। अभी तो सब कॉन्शियस में पड़ा हुआ है। राइट डाउन उसको पेपर पे, नोटबुक पे लिखिए और जब बार बार उसको आप देखेंगे तो एहसास होगा, अरे यार ये मैं गलती कर रहा हूं। जब ये बार बार देखेंगे तो अपने आप उसका एहसास होगा और एहसास होने के बाद में ही गलतियां नहीं दोहराई जाती। जब एहसास नहीं होता तो गलतियां बार बार होती, और जब एहसास हो जाता है गलतियां रिपीट नहीं होती। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पे लोगों की निगाहें टिकी हुई है, लोग देख रहे हैं कि आप क्या होने वाले हो। तो हम भी चाहते हैं कि आप कुछ पॉजिटिव होने वाले हो। दिखा दो जमाने को, दुनिया को, जो तुम हमसे उम्मीद लगाए थे कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं गिर गिर करके और ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचा हूं जहां से पूरी दुनिया मुझको देख रही है और मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूं। शुभकामनाएं मेरे दोस्त, शुभकामनाएं।